जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सर्व पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आइए इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है यह जानते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहिष्पत अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पित्री अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पित्री अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए
वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। अश्विन अमावस्या हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष तौर पर अनुष्ठान किए जाते हैं। महाभारत काल से ही अश्विन अमावस्या के दिन अलग अलग तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार अश्विन अमावस्या के दिन को शुभ कार्य नहीं किया जाता, परंतु पूर्वजों को याद करके उनकी याद में श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है तथा पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूर्वजों के पिछले पाप या गलत कर्म के नाम पर उनके बच्चों की कुंडली में जो दोष आए हैं उनको खत्म करने के लिए पूजा की जाती है। अश्विन अमावस्या के दिन अनुष्ठान करने से यम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन यदि पूरी निष्ठा से पूजा विधि की जाए तो परिवार के हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है एवं पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। बच्चों को सुखद जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जिनके जीवन में कुंडली दोष है उन्हें इस दिन पूजा करने से कुंडली दोष से मुक्ति मिल जाती है। जो सुहागिन इस दिन व्रत रखती हैं उनको भी इसका फल अवश्य मिलता है।